अजीज़लबा तालबा जमात नहम की सियासी साइंस के चौथे सबक मजलिस अवहद द यूनाइट नेशन्स ऑर्गनइजेशन यू एन ओ इस सबक में के तीसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तबाल है आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए चलिए शुरुआत करते हैं तोलियती कौंसिल दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो ममालिक गैर तरक् याफ़्ता थे इनकी तरक्की की ज़िम्मेदारी चंद तरक् याफ़्ता ममालिक को सौंपी गई इन गैर मुस्तकम मुल्कों को मुल्क की तरक्की में मदद करना इन्हें आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश करना और वहाँ जमहूरियत क़ायम करने की कोशिश करना ये इसके अहम नकात में से है इन तौली कौंसिल क्या काम करती है तोलियती कौंसिल क्या करती है दूसरी जंग अजीम के बाद जो मुमालिक आज़ाद हुए या नोआबादियात थी वो तरक्की नहीं कर पा रहे थे तो उनकी तरक्की की जिम्मेदारी किसने ली थी चंद तरक् याफ्तः ममालिक को सौंपी गई थी अब इन गैर मुस्कम मुल्कों को मुल्क की तरक्की में मदद करना इन्हें आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश करना और वहाँ जमहूरी जमहूत क़ायम करने में तान देना मतव था था और ये जिम्मेदारियाँ तोलियती कौंसिल को सौंपी गई थी तोलियती कौंसिल को अब बर्खास्त कर दिया गया है यानी पहले जो तोलियती कौंसिल थी वो अब बर्खास्त कर दी गई है यकुम नवंबर उन्नीस सौ चौरानवे को मुल्क पलाव को आज़ादी मिलने के बाद तोलियती कौंसिल का खात्मा हो गया बहरुल कायल में फ़िल्पाइंस मुल्क से पाँच सौ मीटर मशरक़ में वाक जजीरा है चलिए शुरुआत करते हैं अगला हिस्सा नए हज़ार के तरक़्ियाती मकासद नया हज़ारा क्या है न्यू मिले भी आप इसे कह सकते हैं अकवा मुत के रुकन ममालिक ने दो हज़ार ईस्वी में एक जगह जमा होकर नए हज़ारे यानी न्यू मले के तरक़्िया मकासद तय किए इन मकासद में से चंद हजब ज़ैल हैं यानी नए हज़ारे में नए न्यू मले में दुनिया कैसी होनी चाहिए उस बारे में इस पर गुफ्त शनिद की जाती है पहला नुकता है गरीबी और भुखमरी का खात्मा करना दूसरा नुकता है इब्तदाई तलीम की सहूलियात मुहैया करना चौथा नुकतः है खातिन को ख़ुद का फील बनाना कम सेन बच्चों की शराह अमवात को कम करना यानी गरीबी भुखमरी का खात्मा इब्तदाई तलम की सहूलियात खातन को ख़ुद का फील बनाना कम सेन बच्चों की शराह अमवात को कम करना हामिला ख़ीन के सेहत और तंदरस्ती का खसूस ख्याल रखना एड्स मलेरिया जैसे अमराज का मुकाबला करना माहौलियात का तहफ़ और तरक्याफ़्त और तरक् पजीर ममालिक में बहमी ताउन को फ़रो देना ये तमाम बहुत ही अहम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को करना एक बहुत ही आ, नए हज़ारे के मकासद में से एक बहुत ही अहम नुकात का हिस्सा बनता जा रहा है इन मकासद के हसूल के लिए एक म्याद भी तय की गई है यानी एक आ, म्याद यानी एक वक़ा तय किया गया है कि इतने साल में या इतने दिनों में ये हो जाना चाहिए यूनिसेफ़ और यूनेस्को की मदद से भारत ने इन मकासद के में असूल जिक्र कामयाबी हासिल की है यूनिसेफ़ क्या होता है ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल अवद का मालियाती फंड बराए अतफ़ाल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर uh, भी आप इसे कह सकते हैं यूनिसेफ़ एंड यूनेस्को यूनेस्को क्या है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अब भारत ने इसमें काबिल कामयाबी हासिल कर ली है चलिए अगला हिस्सा देखते हैं यूनिसेफ के और यू के जितने काम हैं ये बहुत ही अहम है अकवा मुतहद का मालियाती फंड बराफ़ाल यानी यूनिसेफ़ अतहद का एक जैली इदारा है बच्चों को ईत और तिब्बी सहूलियत फना पहुँचाने का काम यूनीफ़ करता है यूनिसेफ़ के तान से भारत में बच्चों के तकजियाती मसाइल पर मुख्तफ कारगाहों यानी वर्कशॉप का इन किया गया है देखिए भारत में जो माल न्यूट्रिशन की जो सता की कम ईत की जो मसले थे उसे हल करने में बहुत कामयाबी हासिल हुई है अकवा मुत यूनिस्को नामी जैली इदारा तालीम, साइंस और तहजीब व सकाफत के दरमियान मावनत के ज़रिए दुनिया में अमन व सलामती सलामतीयम करने के लिए कोशा रहा है यानी यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी तालीम, साइंस और तेज़ीबाफत के लिए ये अमन व सलामती बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक अहम इदारा बन के उभरा है अव मतहद और तहफ़ अमन ये बहुत ही अहम नुकतः है बैन अवी तनाजात को पूरा मन तरीक़े से हल करना अकाम मतदा के ख़ास मकासद में से एक है बैन अमामी मसाइल तनाजात कौन से है चाहे वो इराक़ का मसला हो फ़लस्तान का हो अफग़ानिस्तान का हो या फिर श्रीलंका में एल टी टी ई का मसला हो तो ये तमाम बैन अवी तनाज़ात है और ये तमाम के तमाम पूरा तरीक़े से हल करने की कोशिशें की जा की गई हैं अकवा मुत के मंशूर में बैन अवी तनाज़ात को हल करने के लिए के तरीक़ों की तफसील बताई गई है यानि अकवा मुत यूनाइट नैशन ऑर्गनइजेशन का जो चार्टर है मंशूर है उसमें बैन अवी तनाज़ात को किस तरीक़े से हल करना है उसका तरीक़ार भी बताया गया है जिन ममालिक दरमियान तनाज़ हो इनकी मर्जी का सालिस तय करना मुनफाना तरीक़ा अख्तियार करना तनाज़ के हल के लिए मुनसिफ़ मकर करना या ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई करना और दोबारा तनाज़ा रोनमा ना हो इसका ख़्याल रखना वगैरह इसके मंशूर में शामिल है अब देखिए तनाजा जैसे कि लीबिया में जो तनाज़ा हुआ था या फिर वहाँ पर उन्होंने कोई सालि तय किए बग़ैर वहाँ पर अचानक फ़ौजी कार्रवाई कर दी थी इसके अलावा जो अफ़ग़ानिस्तान में गुज्त छः महीने पहले एक मुनफाना तरीक़ा इख्तियार किया गया और तालिबान और अमरीका के दरमियान एक माहदा हो गया और जिसकी वजह से फौजी कार्रवाई को रोका गया और तनाज़े को हल करने की कोशिश की गई अब तनाज़ा दोबारा और हो इसका ख्याल रखने का काम भी इसके मंशर में शामिल है जदीद में इंतहा पसंदी नस्ली और मजहबी रस्ाकशी की वजह से इंसानी तहफ़ को ख़तरा लाख हो चुका है अब देखिए जदीद अहद में इंतहा पसंदी कहाँ पर बढ़ी है बहुत सारे ममालिक बढ़ी है ख़ास तौर पर ये अफ़ग़ानिस्तान वगैरह या फिर म्यांमार में नस्ली भेद या चीन के ओगे पर जिंजियांग में, में वहाँ पर मजहबी रस्सा या फिर रोहिंग्या का मसला है तो ये सब इंसानी तहफ़ को ख़तरा लाक करने वाले मसाइल हैं इसकी वजह से अकवा मुत के अमन आलम की तहफ़ की जिम्मेदारी को ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है यानी अकवा मुद किसी मुल्क के मामलों में दखल अंदाजी तो नहीं करता लेकिन अमन आलम के तहफ़ के लिए वो जिम्मेदारी उठाने को हमेशा तैयार रहता है जंगज़दा इलाक़े दोबारा तशद का शिकार ना हो और जल्द से जल्द हालात मामूल पर आ जाएँ इसके लिए अवहदा हमेशा कोशा रहता है हमेशा कोशिश करता रहता है मसलन स्कूलें शुरू करना आवाम में इंसानी हकूक़ के मुतालिक बेदारी पैदा करना समाजी माशी और सियासी सहूलियात मुहैया कराना इंतबाब मुनदद कराना वगैरह ये तमाम काम अ मतहद के जरिए करवाए जाते हैं अब देखिए इसमें योगोस्लाविया नामीबिया कम्बोडिया सोमालिया, हेती थाईलैंड इन तमाम ममालिक में तहफ़ अमन की बहुत सारी मुहिम चलाई गई है और अवतदा ने अपनी अमन अफवाज को भी भेजा है ये तस्वीर भारत के हिंदुस्तानी अमन फौजी के है जो वहाँ के बच्चों को तहफ़ फ्राम करने की कोशिश कर रहे हैं अकवा मुत का तहफ़ अमन जंग ज्यादा ममालिक में मुस्तिल तौर पर पुरमन का मुस्किल तौर पर अमन क़ायम करने के मकसद से सेहतमंद और मुस्बत माहौल साज़ी का काम मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के जरिए अंजाम दिया जाता है यानी किसी भी मुल्क में अगर अमन क़ायम करना है तो सेहतमंद माहौल होना चाहिए मजबूत माहौल होना चाहिए तो उसका काम किया जाता है अवहदा के अमन मुहाफिज दस्ते जंग ज़दा ममालिक को अमन की राह पर लाने में मदद करते हैं यानी अवत के जो अमन कायम करने वाले जो दस्ते हैं वो इसमें हमेशा पेश पेश रहते हैं जंगजद ममालिक में तहफ़ अमन के साथ साथ सियासी और अमन और सलामती के ख़्यामें मदद की जाती है ये देखिए वियतनाम में या फिर कम्बोडिया में भारत ने इस कस्म के अमन दस्ते भेजे थे ताकि वहाँ पर अमन क़ायम किया जा सके बैन अवी अमन और सलामती की दुनिया भर में कोशिशें और इसे कायम रखने के लिए अवतदा जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अंजाम देता है इनमें में तहफ़ भी एक एक तहफ़ भी एक अहम काम है एक अहम अमल है अब इस अमल में हम दर्ज झैल अवामिल भी मददगार साबित होंगे यानी तहफुज़ करना उसके साथ साथ अमन क़ायम करना तो ये अकवा मुत इसके लिए अमन अफवाज का भी सहारा लेता है पहला नुकता है जंग पर रोक लगाना और सालिस बनना जैसे कि जो भारत ने श्रीलंका में जो जंग हो रही थी एल टी टी और वहाँ की सरकार के दरमियान वहाँ पर सालिस बनने की कोशिश की थी अमली तौर पर अमन क़ायम करना और तहफ़ अमन के लिए मुख्तफ तरीक़ों पर अमल करना और बकाए अमन की कोशिशें करना अब आखिरी नुकता है अवहदा और भारत अकवा मुतहदा के क़्याम से कब्ल जो मुख्तलिफ़ इजलास हुए इनमें भारत ने शिरकत की नबादियात की आज़ादी तर्क असला और नस्ली तफरी जैसे कई मसाइल अवत्य के सामने पेश किए अवहदा में उन्नीस सौ छियालीस में नस्ली मुनाफरत का मसला पेश करने वाला पहला मुल्क भारत था तरक्याफ्तर और तरक् पजीर ममालिक मसाइल के हल में भी भारत पेश पेश था अकवा मुत की अमन फौज में भारत ने हमेशा अपने फ़ौजी जवान रवाना किए हैं बल्कि भारत ने अमन फौज में खातून फौजी भी रवाना किए बामी मसाल पर अमन तरीके से हल करने के लिए भारत हमेशा कोशा रहा है देखिए अफ्रीका के वस्ती अफ्रीका के बहुत सारे ममालिकनिया सोमालिया और इथोपिया वगैरह में भारत ने अपने अमन अफवाज को भेजा इसी तरीके से वियतनाम कम्बोडिया इन इलाक़ों में भी भारत ने अपनी अमन अफवाज को भेजा है ताकर वहाँ ताकि वहाँ पर अमन व अमान क़ायम किया जा सके उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदा हाफिज़